कृषी विपणन आणि रोगासंबंधित माहितीपूर्ण व्हिडिओ बघण्यासाठी कॉटन गुरु यूट्यूब चॅनल सबस्क्राइब करा आणि नवीन व्हिडिओ बघण्यासाठी बेल आयकॉनवर क्लिक करा. क्या है इस सीजन में एफपीओ के लिए एक अपॉर्चुनिटी, पर क्या है जो हमें इमीडिएटली उपयोग के लिए करना चाहिए? अजय कुमार जी सीसीआई के जनरल मैनेजर विदर्भ के, उन्होंने बताया कि उन्होंने कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन के साथ में काम करने का इस साल में जो 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 प्रपोजल था उसको एक्सेप्ट किया है. कुछ सेंटर्स, दो सेंटर्स विदर्भ में, दो सेंटर्स मराठवाड़ा में, अर्जुन जी का भी पूरा सपोर्ट मिला है. तो असिस्टिंग कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया टू सपोर्ट स्मॉल होल्डर कॉटन फार्मर ड्यूरिंग एमएसपी सीजन, ये एम है कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन का. नेक्स्ट स्लाइड पे जाइए. कॉटन सीजन 2020-21 कैसा रहने वाला ये सीजन? ये है भारत का क्रॉप और उसका प्राइस आप देखेंगे तो एमएसपी और नेशनल कॉटन सेलिंग प्राइस है, उसमें ये फर्क है. जो पीली लाइन है वो है प्राइस, मार्केट का प्राइस, और जो ब्लू लाइन है वो है एमएसपी. तो जब भी प्राइस नीचे होता है और एमएसपी ऊपर होता है तब सरकार की खरीदी आती है. और 2019-20 में आपने देखा कि बहुत ही बड़े पैमाने में सरकार की खरीदी आई, 1,15,00,000 गठानों के करीब सीसीआई और महाराष्ट्र फेडरेशन ने मिलकर खरीदी की है. और अभी आप देखेंगे कि रेयरली पर कभी कभी जो पहले हुआ है और इस साल जो होने जा रहा है वो है लाखों लाख बैक टू बैक सेकेंड ईयर भी ये खरीदी आ सकती है, क्योंकि अभी भी मार्केट प्राइस और एमएसपी प्राइस में अच्छा खासा अंतर है. तो ये बहुत बड़ा चैलेंज कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के लिए है, वो सज्ज है इसके लिए. लेकिन इतिहास में शायद पहली बार 1,00,00,000 एक बार और फिर रिपीट ईयर में भी 1,00,00,000 के आसपास वो ले, ये ऐसा पहली बार होगा. नेक्स्ट लाइन. और शुरू से ही ये एमएसपी वाला साल रह सकता है, ये भी एक नई बात होगी. दूसरा है एमएसपी सीजन, जो इंटेंशन है, जो करना है और जो हो रहा है उसमें थोड़ा अंतर है. सेव फार्मर फ्रॉम डिस्ट्रेस से प्रोक्योरमेंट फॉर पब्लिक प्राइस सिस्टम और एमएसपी, ये नियम से चल रहा है कि छोटे से छोटा फार्मर भी डिस्ट्रेस सेल से बचा रहे, एक अच्छा परचेस प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर बना रहे और एमएसपी के रूप में वो सीसीआई के तरफ जाए, ये उद्देश्य है. लेकिन लास्ट ईयर कोरोना की वजह से बोलिए या छोटे किसान अच्छे अच्छे सेंटरों तक नहीं पहुंच पाए थे, सेंटर या उनसे दूर थे या कम थे, जो भी कारण होगा तो उन किसानों को मध्यस्थियों का उनका हेल्प लेना पड़ा था और वहां पे उन्होंने शायद 5-10% अपने भाव मिलने से वो वंचित रह गए. तो ये इस साल शुरू से ही जब हमें देख रहा है कि बारिश की वजह से बहुत सारे क्रॉप में नुकसान हुआ है, सोयाबीन बहता जा रहा है, मक्के में और तुअर में भी नुकसान हुआ है, ऐसे में कपास को किस तरह मध्यस्थियों से बचा के रखना है ये दायित्व सीसीआई का भी है, हमारा भी है और एफपीओ का भी है, ऐसा हमारा मानना है. नेक्स्ट, क्या है हमारा प्रपोज सॉल्यूशन? कि छोटे से छोटे किसानों को सीसीआई के साथ और मजबूती के साथ जोड़ना है ताकि उनको एमएसपी का फायदा मिले. एम्पावर एफपीओ. एफपीओ एक बहुत बड़ी ताकत बन के उभर रहा है. 2002 का नियम है पर 2017-18 से एफपीओ बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं. तो उसको एग्रीगेशन के लिए कपास को किसानों से जो लेके जोड़ के उसको सफाई करके या उसकी ग्रेडिंग करके उसको सीसीआई तक या किसी भी खरीदार तक पहुंचाना, ये एफपीओ का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हो सकता है. ट्रेनिंग, उनको अच्छी तरह ट्रेन कर सकते हैं किसानों के साथ सबसे ज्यादा कौन जुड़ा है तो वो एफपीओ जुड़ा है. तो वो ट्रेनिंग एफपीओ के मार्फत हम किसानों को दे सकते हैं. हम मॉइस्चर मैनेज और स्टोरेज मैनेजमेंट कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन में उनके खर्च को बचा सकते हैं, ये फायदा है एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन का. एडिक्वेट सिस्टम टेक्नोलॉजी, एक अकेला किसान अपने आप में ज्यादा टेक्नोलॉजी नहीं ला पाएगा लेकिन एफपीओ और एफपीओ का समूह ये बहुत कुछ कर सकता है. एंड यूटिलाइज द पावर ऑफ कोऑपरेटिव मैनेजमेंट, मैं आगे की कुछ स्लाइड में आपको बताऊंगा कोऑपरेटिव का क्या पावर हो सकता है. नेक्स्ट स्लाइड, स्लाइड चेंज करिए. हाउ महा एफपीओ, एफपीओ का समूह जो है उसको कहते हैं महा एफपीओ. तो अभी जो बना है कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन
वो इतने सारे एफपीओ के जोड़ के बना है, 100 से ज्यादा एफपीओ से हम अभी जुड़े हुए हैं, एक एक एफपीओ में 500 से लेकर 1500 किसान है। तो इतना सारा पावर अब इस समूह में है कि किसानों को जोड़ने का और उनका एग्रीगेशन और सेग्रीगेशन करने का, इसका सही उपयोग, इसका सही चैनलाइजेशन हुआ, इसका क्या फायदा हो सकता है। ईज ऑफ प्रोक्योरमेंट, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के बहुत सारी आसानी हो सकती है उनके प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर में। डिस्प्यूट रिजोल्यूशन, जैसे मैंने बताया, बहसबाजी कम होगी, रिजेक्शन कम होंगे और दोनों का बहुत समय बचेगा। इंक्रीज स्मॉल होल्डर फार्मर कनेक्ट, छोटे से छोटा किसान 2 एकड़ वाला भी हिम्मत करेगा, ठीक है मुझे यहाँ पे जल्दी पहुंचने का एक शॉर्टकट जरिया मिला है, मैं अपने एफपीओ के थ्रू और महा एफपीओ के बड़े प्लेटफॉर्म के थ्रू जा सकता हूँ। प्रोफेशनल गवर्नेंस, ये बहुत जरूरी है कि हम कहाँ जानते हैं हर एक किसान अपने डॉक्यूमेंट किस तरह जमा करता है, कैसे करता है, पर एक एफपीओ और उसके ऊपर एक महा एफपीओ डबल स्क्रीनिंग हो जाता है। तो ये ऑथेंटिसिटी, जो रियल फार्मर है उसको पूरा बेनिफिट दिलाने में ये बहुत काम आता है। सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट, 1000 किसानों के लिए एक कॉन्टैक्ट, 30,000 किसानों के लिए एक कॉन्टैक्ट, और आज की तारीख में तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे साथ जो जुड़े हैं ऐसे 1,00,000 किसानों का एक कॉन्टैक्ट, मतलब कॉटन ग्रुप माई हैप्पी फेडरेशन आपके लिए बन सकता है। गारंटीड डायरेक्ट एंड अपफ्रंट पेमेंट फॉर स्मॉल होल्डर फार्मर, पेमेंट कौन करने वाला है? सीसीआई। सीसीआई से बढ़िया गारंटेड बायर, गारंटीड बायर इंडिया में नहीं हो सकता है, उसका आपको पेमेंट का बेनिफिट मिलेगा और डायरेक्ट सीसीआई किसानों को पेमेंट करने वाला है। पर करना क्या है? एग्रीगेशन करना है, सेग्रीगेशन करना है, माल को जमा भी करना है और माल की सफाई का भी पूरा ध्यान रखना है। तो इसमें हार्वेस्टिंग, स्टोरेज, लॉजिस्टिक्स और ग्रेडिंग, ये सभी आ जाता है और इसको कॉटन गुरु माया एफपीओ मैनेज करेगा आप सबके लिए। ट्रेनिंग इंडिविजुअल फार्मर्स, आगे का ध्यान क्या है? हमारे टेक्सटाइल मिनिस्टर ने अभी अनाउंस किया है 4 दिन पहले, कस्तूरी कॉटन, इंडिया का ब्रांडेड कॉटन, ये कंटेमिनेशन फ्री कॉटन किस तरह बनेगा, कौन बनाएगा, कितनी भी सफाई स्पिनिंग मिल में कर लो, 2 करोड़ रुपए का स्कैनर लगता है लेकिन उतनी सफाई वो नहीं करता है। जिनिंग में बहुत सारी मेहनत होती है लेकिन उतनी सफाई नहीं होती। अगर वो किसान के घर में हो जाए तो सबसे बड़ी जीत होगी हमारी कंटेमिनेशन फ्री कॉटन की तरफ। जियो टैगिंग, हर एक प्लॉट को हम जियो टैगिंग हमने करना शुरू कर दिया है, उसका उसमें कितना कपास होगा, कितने पिकिंग आने वाले हैं, अभी कितना कपास बाकी है, ये पूरा सैटेलाइट पिक्चर हमें रेगुलर मिलना शुरू हो गया है। और बार कोटेड आई कार्ड, ये जो आप देख रहे हैं इसको हम ऑलरेडी हम नेक्स्ट वीक से दशहरा के बाद डिस्ट्रीब्यूट करना शुरू कर देंगे। हर किसान को जो कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन में रजिस्टर होता है उसको ऐसा एक बार कोटेड आई कार्ड मिलेगा। तो आई कार्ड से बहुत सारे उनको डिस्काउंट भी इस पे अपलोड होने वाले हैं, आपको सीड में डिस्काउंट, फर्टिलाइजर में डिस्काउंट, और आपकी एक पहचान वो बन के रहेगा कि आप एक सर्टिफाइड और ट्रेंड किसान हैं जो सीसीआई और किसी भी बड़े खरीदार को कपास बेचने के लायक है। नेक्स्ट लाइन, जो मैंने बताया था क्या है एक सक्सेस स्टोरी और क्या है कोऑपरेटिव का पावर, वो है अमूल। भारत में सबसे पहला सफेद रिवोल्यूशन लाने वाला, दूध में रिवोल्यूशन लाने वाला, दूध में क्रांति लाने वाला, जो सफेद क्रांति आई थी 1960-70 के दशक में, वो अमूल लाया था। और क्या है अमूल? एक कोऑपरेटिव का समूह है अमूल, पर प्रोफेशनली उसको मैनेज किया जाता है और जो जो लीडर होते हैं वो भी किसान होते हैं और किसानों द्वारा ही वो इलेक्ट किए जाते हैं। तो ऐसे सिस्टम हम कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन में बनाना चाहते हैं, किसानों की संस्था, किसानों के लिए संस्था और किसानों के चुने हुए लीडर द्वारा चलाई गई संस्था, लेकिन पूरी तरह प्रोफेशनली मैनेज हो और किसी भी अच्छे बायर की कैसे भी रिक्वायरमेंट को पहुंचने में सक्षम हो, ऐसी एक संस्था। नेक्स्ट स्लाइड, कमिटेड टू स्वच्छ कपास अभियान, ये हम अभियान काफी सालों से चला रहे हैं, अब इंडिविजुअल किसान से अभी एफपीओ तक आ गए हैं और इसको अब सीसीआई और भारत के बड़े निजी खरीदारों तक हमें ले जाना है कि कॉटन ऑन डिमांड, आप बोलिए आपको क्या चाहिए, हम आपको लाके देंगे किसानों की तरफ से। और किसानों का पावर इतना है कि वो अगर जिस चीज को सोच देते हैं वो करके दिखाते हैं। उनको एक अच्छे प्लेटफॉर्म की जरूरत है, एक अच्छे ब्रांड की जरूरत है, एक अच्छे कॉन्टैक्ट की जरूरत है, एक अच्छे ब्रिज की जरूरत है, जो कॉटन गुरु उनको देने की कोशिश कर रहा है। तो ये था हमारा छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब इसमें कौन कौन जुड़ा है हमारे एडवाइजरी कमेटी में, कॉटन गुरु महा एफपीओ फेडरेशन में, जिसमें डॉक्टर सुधीर जी गोयल हमारे साथ जुड़े हैं, पूर्व एडिशनल
कमिश्नर रह चुके हैं, वो एग्रीकल्चर के आईएएस अधिकारी हैं, हमारे साथ डॉक्टर सीडी मई जुड़े हुए हैं एडवाइजरी कमिटी में, जो इंडो अफ्रीकन बायोटेक सेंटर के प्रेसिडेंट है, हमारे पास सर डॉक्टर केशव क्रांति एडवाइजरी कमेटी में जुड़े हुए हैं, जो आईसीएसी विश्व की सबसे बड़ी स्टैटिस्टिक्स और कॉटन की संस्था है उसके टेक्निकल डिवीजन के हेड हैं, हमारे साथ गोविंद जी वैराले जुड़े हुए हैं, 35 साल उन्होंने कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया और महाराष्ट्र फेडरेशन में बहुत उच्चतम पदों में अपना अनुभव दिया है और उस अनुभव का पूरा रस वो किसानों के हित में यूज करना चाहते हैं। हमारे साथ जी चंद्रशेखर जी जुड़े हुए हैं, जो वर्ल्ड बैंक के एडवाइजर भी हैं, आईएमसी के इकोनॉमिक एडवाइजर हैं और आईएमसी ईआरटीएफ के डायरेक्टर हैं, और सुरेश भाई कोटक के आशीर्वाद हैं हमारे साथ। तो ऐसे ऐसे लोग, हीरे और रतन जुड़े हुए हैं, और अब सीसीआई जैसी संस्था, सिरकॉट जैसी संस्था जो किसानों के लिए सब कुछ करने के लिए रेडी है, सिटी सीडीआरए जैसी संस्था जो मिलों की संस्था है लेकिन किसानों के लिए बहुत सारा वो काम कर रहे हैं, गुजरात में बहुत सारा काम उन्होंने किया है, ऐसी संस्थाओं का एक सम्मिश्रण आपको यहाँ पे मिलेगा। तो इसका पूरा फायदा छोटे किसानों को और अल्टीमेटली बहुत बड़े बायरों को होना चाहिए, ऐसा हमारा प्रयास है।